नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे नी और आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। हे गाइस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर ऑनगोइंग अपडेट्स ऑन दिस चैनल। अभी टाइम एक्चुअली बहुत हो चुका है। आप लोग के साथ लाइव चैट करने के बाद, आप लोगों को सिखाने के बाद, मैं अभी भी सोया नहीं हूँ, अपना म्यूज़िक पे काम कर रहा था। तो यही हमारा म्यूज़िक प्रोड्यूसर का जो ज़िंदगी होता है ऐसे ही होता है। मैं एक्चुअली यूट्यूब गया मैं और बहुत सब्सक्राइबर्स को देख रहा था, मेरे जो सब्सक्राइबर्स है और उनका जो वीडियोज़ है उस पर भी जा रहा था मैं। और मुझे बहुत बहुत हैरान हुआ दोस्तों, बहुत हैरान हुआ। क्या हैरानी, इसलिए क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स के अंदर भी इतने सारे जो लोग हैं, बहुत टैलेंटेड जो लोग हैं, मेरे बच्चे लोग, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे से जो मेरे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो क्या बोलूँ, आंख भर गया था एक्चुअली उनका एक एक कोशिश देख के और उन लोगों का मेहनत देख के मेरा आंख एक्चुअली भर गया था। और मैं ये नहीं चाहता कि वो लोग रोके, मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है इस दुनिया में कुछ बनना, लेकिन फिर भी हम लोग ये नहीं सोचना चाहिए कि यार हम लोग कुछ नहीं है। तो मेहनत करते रहना चाहिए और कोशिश जारी होना चाहिए। ये कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, मैं अभी तक कुछ नहीं बन पाया है। मैं ये बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ लेकिन मैं अभी तक कुछ नहीं बन पाया, लेकिन मुझे मालूम है मेरे पास हुनर है। लेकिन मैं कुछ बनने के लिए नहीं था कि यार मुझे नाम बनाना है या ऐसे नहीं। मेरा पैशन था कि मेरे को म्यूज़िक बनाने का, ये करने का, वो करने का, तो पैशन था। किसी लोगों को होता है कि कुछ बनने का, बनने का मतलब आपको पहले सोचने का क्या होता है, मतलब बनना क्या होता है, या तो पैसा नहीं तो नाम। आपको क्या चाहिए, पैसा भी चाहिए, नाम भी चाहिए। अभी बहुत लोग हैं उसके दोनों के पीछे पड़ जाते हैं। तो यार एक जुनून होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी मेरे जो वीडियो में बताया था, जुनून होता है। वो जुनून अगर है तो पैसा और नाम फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, बिल्कुल। पैसा और नाम तो वो जुनून के पीछे फॉलो करेगा, समझे आप। एक मिनट मैं बताता हूँ, अभी मेरे को खाना खाने का, मैं इसलिए थोड़ा गर्म करने के लिए रखा था, देखो। ये अभी मैं गर्म कर रहा हूँ अभी। तो मैं जो बोल रहा था आप लोगों से, जो जुनून होता है, जुनून अलग ही चीज़ होता है, उसके ऊपर हम लोग जो काम करते हैं वो अलग चीज़ होता है। जुनून रखिए और वो जुनून को फॉलो करता अपना जो पैशन है, मतलब पैसा और फेम, वो जुनून को फॉलो करता है। यार कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं बना, टाइम लगता है, हर चीज़ का टाइम लगता है। लेकिन सॉरी यार, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन आप लोग टाइम दीजिए उसके लिए। मैं आज एक छोटा सा एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अपना जो एक सब्सक्राइबर है बैड ऑफिशियल, मैं ना उनको जानता हूँ, और दूसरे एक और सब्सक्राइबर है जो है अंशुल साहू, दोनों रैपर हैं, दोनों कुछ बनना चाहते हैं इस दुनिया में और इस ज़िंदगी में। मैं बस अंशुल और बैड ऑफिशियल को इतना बोलना चाहता हूँ, बैड ऑफिशियल का नाम मुझे मालूम नहीं बराबर क्या है, संजीव पता नहीं क्या नाम था उनका, उन्होंने बताया था। तो इतना बोलना चाहता हूँ कि कोशिश करते रहिए। इन दोनों का लिरिक्स मैंने लिया था एक्चुअली, और एक और बंदे का था जिस मैंने लिरिक्स लिया हुआ है, और जो मैंने एक्चुअली मैं बताऊँगा आपको मेरे जो गाने पर मैंने लिरिक्स लिए। तो आप सोचिए, अगर मैं एक यूट्यूबर दुबई में बैठा हूँ और मुझे बैड ऑफिशियल और अंशुल का और इन लोगों का सब लिरिक्स सब लेना पड़े, तो और मैं एक गाना बनाया अभी और मैं उसमें रैप कर रहा हूँ, और या मैंने जो म्यूज़िक प्रोड्यूस किया, इवन थोड़ा भी छोटा भी एक पार्ट लेना पड़े, तो मतलब कुछ तो है आप लोगों में, है कि नहीं। तो ज़रा सोचिए, मैं अभी वापस आता हूँ, मेरा बर्गर बनाना मुझे, और वो बनाने के बाद आता हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं एक्चुअली थोड़ा भूखा हूँ और बर्गर बनाने की कोशिश कर रहा था, बीवी और बच्चे सो गए दोनों खा पी के, थोड़ा जल गया आप लोगों से बात करते करते। तो मैं क्या बोल रहा था कि एक्चुअली जो मैंने देखा बैड ऑफिशियल और अंशुल का जो है, सिर्फ बैड ऑफिशियल और अंशुल नहीं, प्रशुन हो गया और आदिल हो गया, राज हो गया, और आर्ट ऑफ म्यूज़िक हो गया, ऐसे जो लोग हैं। जब मैंने उनको जब पहचाना, मैं तो कुछ भी नहीं दुनिया में, मैं तो एक छोटा यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग को जो खुशी मिला मेरे म्यूज़िक में, इतने लोगों ने मेरे को, कम से कम 300-400 से ऊपर लोगों ने मेरे को मैसेज किया, सर मेरा ट्राई करो, अभी भी कर रहा, लेकिन मैं यार कर नहीं पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली ब्लैक प्रोडक्शन का देख रहा था, अंशुल का देख रहा था, आज प्रशुन का वीडियोज़ देख रहा था, फिर आदिल
और भी बहुत सारे हमारे जो राज हैं, इन लोगों का सबका यूट्यूब चैनल पे मैं आज गया कसम से। और जो हमारे दूसरे जो भी जितने भी प्रेक्षक हैं, बहुत सारे लोग का मैं यूट्यूब चैनल में गया, मैं पर्सनली जाके चेक किया और मैंने देखा कि यार बहुत लोग में जो टैलेंट है वो लोग अंदर से बाहर लेके नहीं आ पा रहे। आप लोग में है लेकिन फिर भी आप दिखा नहीं पा रहे हो, तो ये प्रॉब्लम हर हर किसी में होता है, मेरे में भी था, अभी भी है। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे में नहीं है, अभी भी है, लेकिन हम लोग ये क्लियर कर सकते हैं आपस में काम करके। बहुत कुछ चीज़ें हम लोग जो कर सकते हैं। अभी मैं ज़रा बर्गर बना लूँ ज़रा, क्यों मेरे को लगी है बहुत भूख कसम से यार। अभी टाइम हो गया कम से कम 3 या 4, मेरा बेटा कल मेरे साथ 4 बजे 4:30 बजे तक जागा हुआ था, आपको मालूम है, कल 4:30 बजे तक वो बैठा हुआ था मेरे साथ और टीवी देख रहा था और मेरे को मस्का मार रहा था, पापा देखो कार्टून देखो, पापा ये इतना ये है, इतना हंसी मजाक वाला कार्टून है पापा देखो आप देखो। बाद में मेरे को चिल्लाना पड़ा उसको, मैं बोला बेटा तेरा अभी वेकेशन नहीं चल रहा है, अभी एक्चुअली क्वारंटाइन पीरियड चल रहा है, तू जा भी सो जा भी, 4:30 हो गया अभी, मैंने कुछ बोला नहीं तेरे को। तो सर यह है इधर का बर्गर, अभी बिकॉज अभी क्वारंटाइन चल रहा है तो हम लोग सब फ्रोजन फूड लेकर रखा है। अभी अभी आज से दुबई का जो है 24 आवर्स क्वारंटाइन है, तो अभी हम लोग को घर पे रहना पड़ेगा और अभी हमको मालूम नहीं है कि कब तक ठीक होगा। भाई मेरे हालत बहुत ख़राब है, बाहर मत निकलो आप लोग भी, एक बर्गर काफ़ी है मेरे लिए आज। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि यार अपने लोगों में जो प्रोडक्शन का जो और जो इंटरेस्ट है और जो लोगों में जो उनका जो टैलेंट है, बहुत 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 अच्छा टैलेंट है यार। हाँ शायद उनको मालूम नहीं पड़ रहा कि उनके ऊपर कितना टैलेंट है, लेकिन वो उसको हम लोग को फाइन ट्यून करने का मालूम है ना। वो लोग अभी एक यार, एक हीरा जब बनता है ना कोयला से निकलता है, एक हीरा कोयला से निकलता है, तो वो कोयला के अंदर है ये लोग अभी, कोयला कोयला जो है ना कोयला के अंदर है और उसको साफ सफाई करना पड़ता है, ये हीरे लोग को सफाई करना पड़ता है, ऐसे सफाई करके उनको जब निकालेगा ना हीरा बनता है भाई, मैं बोल रहा हूँ हीरा बनता है। और इन बंदों में है वो, आप लोगों में है, हम लोगों में सब में है वो हीरा, सब कोयले के अंदर फंसे हुए अभी तक। ठीक है अभी बर्गर बनाते हैं हम लोग, बाद में बात करेंगे। भाई इधर, ये मेरे दो बिल्ली, देखते हैं हमारे जो दो बिल्ली है क्या कर रहे हैं। देखो 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 ये देखो, इसको देखो इसको देखो, इनको रात को सोने का तो है नहीं इनको। एम्बर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग एम्बर, व्हाट आर यू डूइंग एम्बर, यू प्लेइंग वेरी स्टीव, वेरी स्टीव, वेरी स्टीव, आंख मार रही है। देखो अभी ये हो गया हमारा बर्गर। तो यह है मेरा बर्गर, मजा आ गया दोस्तों। तो हाँ दोस्तों बर्गर अच्छा था, खाना हो गया मेरा भी, अभी बस बैठा हुआ आप लोगों के साथ। ये एक है, सुनने में शायद उसको रैपिंग नहीं आता है बराबर, लेकिन अगर उसको, ये कोयला है, कोयला मालूम है आपको, कोयला कोयला क्या होता है, कोयला ये कोयला है, हीरा तो अंदर छुपा हुआ है भाई। दूसरा कोयला निकालूं मैं, ये दूसरा कोयला है, इसका टैलेंट देखो, बहुत कुछ चीज़ है इसमें। सॉरी सिगरेट पीने मना है। भी आती मुझको रुलाती।
कोयला कोयला कोयला, हीरा नहीं कोयला, कोयला हीरा नहीं कोयला, मैं बोल रहा हूँ अभी भी, ये कोयले को निकाल के हीरा बनाने का है, लेकिन कोई पहचानेगा नहीं भाई इन लोगों को, इन लोगों को कोई पहचानेगा नहीं भाई। अभी और भी है, बहुत सारे हैं, अभी अभी आप लोगों को एक एक दिखाऊंगा मैं। कोयला कोयला कोयला, कोयला और इसी का आवाज हमने लिया है अपने गाने पे। क्या आवाज है यार, कोयला है कोयला है, अभी तक हीरा नहीं बना, कोयला है अभी भी ये आदिल कोयला। अभी दूसरा एक बार दिखाता हूँ। कोयला कोयला, हवाओं में बहेंगे, घटाओं में रहेंगे, तू बरखा मेरी मैं तेरा बादल पिया, जो तेरे ना हुए तो। भाई आप लोग को मालूम है ये सब कोयला है, अब ये कोयले को हीरा बनाने का है, कैसे बनेगा ये सब हीरा, कैसे बनेगा ये सब हीरा, ये प्रॉब्लम है। ये लोग आगे कभी क्यों इसलिए नहीं बढ़ पाते, बिकॉज इन लोगों को कभी वो सपोर्ट नहीं मिला, कभी इन लोगों को कभी किसी ने बोला नहीं है कि यार तू अच्छा है, कभी किसी किसी लोगों ने बोला रहेगा हाँ, लेकिन ये लोग पता है कहाँ दब जाते हैं, जहाँ पे कुछ पब्लिक बोलता है यार नहीं यार तू और भी अच्छा कर सकता है, उधर थोड़ा गलती हो गया, इधर थोड़ा गलती हो गया, सुर थोड़ा ये हो गया, सुर थोड़ा वो हो गया, इसके कारण वो लोग उधर ही छोड़ देते उसको। ऐसा गलती ना करो मेरे भाई लोग, दूसरों का मत सुनो, अपना सुनो, अपना दिल का सुनो, अपना दिमाग का सुनो और आगे बढ़ो। मैं हूँ तुम लोगों के साथ। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो लोग का आज आपने देखा, ये मैं उनको जानता नहीं, मैं कभी इनसे मिला नहीं हूँ, मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स है बस इतना ही पहचान है मेरा इनका, लेकिन जो भी है इनका इनका पहचान अपना है, लेकिन ये लोग इनका उत्सुकता इसलिए नहीं बढ़ता बिकॉज इनका जो भी फैमिली मेम्बर्स है या इनका जो भी दोस्त लोग हैं वो लोग खुद सोचते हैं कि या तो कुछ प्रॉब्लम्स पर्सनल प्रॉब्लम्स के कारण वो लोग बोलते हैं यार नहीं तू और कुछ अच्छा और कर सकता था, नहीं तो और भी दोस्त लोग छोड़ो फैमिली मेम्बर्स भी छोड़ो, दूसरे लोग भी होते हैं बाहर के लोग होते हैं जो यूट्यूब पर भी डाल दिए उन्होंने और उनमें से एक कमेंट आ गया यार या यू कैन डू बेटर और यू कैन डू मच बेटर देन दिस, ये अच्छा नहीं था यार थोड़ा और हार्ड होना चाहिए था, ये था वो था, कोई मोटिवेशनल ये नहीं आता उन लोगों को, तो क्या हो जाता है वो लोग भी उधर थक जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमेशा इंसानों में होता है और अगर ये प्रॉब्लम अगर आप निकाल दें तो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को दुनिया का मत सुनो, अपना सुनो और करते रहो, शर्म को निकाल दो, पब्लिक को बोलना है तो बोलने दो, तुम लोग जो करना करो, दिखाओ दुनिया को कि तुम लोग क्या कर सकते हो, अभी तुम ऐसे कर रहे हो आगे जाके क्या कर सकते हो, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, तरसों क्या बनोगे, जब बन जाओगे ना ये सब जो तुमको बोल रहे हैं ना कि यार यू कुड हैव डन इट बेटर, अरे वो खुद कर सकता था क्या, नहीं वो खुद नहीं कर सकता, वो खुद नहीं कर सकता, लेकिन तुम खुद को बोलो कि मैं कर सकता हूँ, समझे क्या तुम, दुनिया का मत सुनो, अपना सुनो, दिल का सुनो, दिमाग का सुनो और करो। मैं इतने बोल के मैं रोकना चाहता हूँ दोस्तों, बहुत लोग हैं जो उधर है, जो आर्टिस्ट लोग हैं जो अंदर अंदर ही अंदर घुट रहे अंदर ही अंदर, मुझे मालूम है, मैं तो अभी छोटा सा अभी पिछले 5-6 महीने से मैंने शुरू किया अपने यूट्यूब चैनल, शुरू तो बहुत पहले किया था लेकिन अभी एक्टिव जो थोड़ा अभी से हुआ हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को मैं अभी म्यूज़िक में अंदर घुस गया हूँ और मुझे पता है कि कितना लोगों में कितना टैलेंट है क्या है, लेकिन उनको बस थोड़ा वो बोलते ना चारकोल से मतलब कोयला से निकाल के उनको हीरा बनाना है, उनको वो नहीं मिल रहा, बस उनको वो ही चीज़ नहीं मिल रहा है, वो लोग कोयला के अंदर ही रह जाता है, क्यों उनके खुद के दोस्त लोग उनको बोलते हैं यार तू कोयला है तू कभी हीरा नहीं बन सकता, जहाँ पे रहने का ना टिक के रहने का है और जहाँ पे सुनाने का है टिक के सुनाने का है, खुद कुछ बनो।